वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मार्च साइकिल की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करने जा रहे हैं हिंदी की, और लास्ट ईयर के कट ऑफ और रिजल्ट की भी हम बात करने जा रहे हैं, इसमें एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हमारा यह चैनल हायर एजुकेशन एंड न्यूज़ अपडेट करवा देता है और जॉब से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी जॉब्स आती है उससे रिलेटेड पूरा अपडेट आपको प्रोवाइड करवा देता है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लास्ट ईयर की रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी में लास्ट ईयर में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब पेपर लिए जाते हैं तो उसकी रिज़ल्ट परसेंटाइल में आती है, और परसेंटाइल की जो रिज़ल्ट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, कितने ने अपीयर किया था, और भी और सारे और काफ़ी इसकी डिटेल पड़ती है। तो ये लास्ट ईयर की रिज़ल्ट है और परसेंटाइल से परसेंटेज और परसेंटेज से परसेंटाइल का वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो दे सकते हैं। और ई सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। हिंदी में लास्ट ईयर की अनरिजर्व में जेआरएफ की 99.47 परसेंटाइल गई थी और नेट के लिए 96.87 परसेंटाइल गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 98.55, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए 91.64, ओबीसी में 98.51 आपकी परसेंटाइल, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए आपकी 91.57, एससी में 93.46, जेआरएफ और नेट 82.63, नेट जेआरएफ एसटी में 92.57 और आपकी नेट 79.22। ये परसेंटाइल से आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम आपके लिए आपको इसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में लेके आए। तो मैं आपको परसेंटेज की बात कर देता हूँ। उसमें ये लास्ट ईयर की रिजल्ट थी, अब मैं आपको उसमें लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए, हमने इसमें जैसे कि दिसंबर 2019 में हिंदी में परसेंटेज में रिजल्ट आई थी क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ होगा। हिंदी में जेआरएफ की बात करें तो जनरल की 67.33 थी, ओबीसी में 64.67 थी, एससी में 61.33 थी, एसटी में 61.33 और ईडब्ल्यूएस में 65.33। ये रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट। अगर हम फिर बात करें नेट में क्या गई थी, नेट में दिसंबर 2019 में हिंदी की 59.33 थी, ओबीसी की 55.33 थी और एससी में 52 थी, एसटी में 50 थी और ईडब्ल्यूएस में 54.67 थी। और लास्ट ईयर की भी हमने आपको रिज़ल्ट दिखा दी परसेंटाइल में। अब हम आपके लिए इस बार जो कट ऑफ लेके आए हैं वो परसेंटाइल में ही कन्वर्ट करके लेके आए हैं, और पूरे डेटा कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको परसेंटाइल में भी आपको दिखा देंगे, और आने वाले समय में कैंडिडेट से और भी रिव्यू लेने के बाद इसको हम रिवाइज कट ऑफ भी लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार जो कट ऑफ जेआरएफ की जनरल की जाने की उम्मीद है वो 64.67 है, ओबीसी में 61.33 है, एससी में 56.67 है, एसटी में 55.67 है और ईडब्ल्यूएस में 62.67 जाने की उम्मीद है। और नेट की बात कर लें हम, नेट में कितनी जा सकती है, तो नेट में आपको ये आपकी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ये 2000 जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी है, 2022 की कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं आपके सामने। इस बार जो नेट की कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपके सब्जेक्ट हिंदी में जनरल की 57.67 जाने की उम्मीद है और ओबीसी में 53.67 और एससी में 50.67 और एसटी में 49.33 और ईडब्ल्यूएस में 53.33। ये परसेंटेज में हमने आपको बता दिए है और इसको आने वाले समय में परसेंटाइल में भी कन्वर्ट करके हम आपको बता देंगे। चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।